जय मसीह की सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों होने के नाते प्रभु की आराधना करने का एक अद्भुत अवसर प्रभु हमें हर रविवार को प्रदान करता है कि भले कलिसिया में हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे पर नहीं हमारे घरों में प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं अलोह मेरा विश्वास है मेरा निश्चय मेरी आशा निश्चय है मुझे यकीन है कि जरूर आप में से बहुत सारे लोग इस अनुभव को अद्भुत तरीके से अपने जीवन में एक नई आशीष के रूप में पाते होंगे जल्द से जल्द हम वचन में जाना चाहेंगे और वचन में जाने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु से निवेदन करेंगे पवित्र आत्मा से कहेंगे परमेश्वर मेरी मदद कर आज के वचन को समझने के लिए सीखने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर तेरे वचन ना सिर्फ मैं सुनूं और मेरे हृदयों में उसको ग्रहण कर सकूं तेरे वचन सिर्फ प्रभु मैं सुनकर दूसरे कान से निकाल ना दू पर वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाए तेरा वचन ही है जो मेरी सत्य में अगुवाई करता है सत्य तू है और तेरा वचन है प्रभु और तेरे आत्मा की अगुवाई मांगते आइए प्रार्थना करें डैडी हम आपके अनुग्रह में आपकी संतान होने के नाते आपसे हक करके मांगते परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे व्यवहार करे तेरी बातें आज हमें नए बल से नए सामर्थ से भरे और जिन बातों में हमें आगे बढ़ना है उसमें हमारी अगुवाई करें हम पहले जैसे ना रहे आप मेरे पीछे बोले प्रभु हम पहले जैसे ना रहे अपने अपने घरों में आप बोल सकते हो प्रभु हम पहले जैसे ना रहे आपका वचन सुनकर हृदयों में ग्रहण करके बहुतायत से फल लाने वाले बने साठ गुना सत्तर गुना सौ गुना फल इस वचन के द्वारा आए और मैं ले आऊं उन फलों को तेरी महिमा के लिए ऐसा होने दे प्रभु हम यीशु के नाम में आपके चरणों में इन बातों को रखते हैं यीशु के लहू को छिड़कते हैं हर एक जन के ऊपर सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के ऊपर प्रभु यीशु के लहू को लेते हैं हर विचारों पर यीशु का लहू लेते हैं और हर एक घर जहां पर प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए लोग बैठे हैं प्रभु उन हर एक पर उनके विचारों पर उनके घरों पर हम यीशु के लहू को लेते हैं शैतान की युक्ति को निष्फल करते हैं यीशु के नाम में दुआ करते हैं कबूल करे आमे हाल बाजू वाले व्यक्ति को बोलिए मुझे बाजू वाले व्यक्ति को बोलिए मुझे परमेश्वर के लिए बहुत फल लाना है यस yes. और बा, बाद में वापिस बोले उनको आपको भी लाना है यस अमेन अमेन यस हालिया आज का जो वचन है जैसे आज की आराधना में जिस बात पर हमने नहीं मैं देखता हूं कि इट्स अ प्रोफेटिक वे ऑफ डीलिंग विद द पीपल ऑफ गॉड नहीं ये परमेश्वर के आत्मा का एक भविष्यवाणी एक अनुभव है या तो एक तरीका है कि वो एक एक मुद्दे पर खड़ा करने के लिए कुछ बातों को दोहराता है रिपीट करता है जो बातें आराधना में पवित्र आत्मनम से व्यवहार की आप समझ गए नहीं, भय से मुक्ति और वो ही विषय पर प्रभु ने आज वचन भी हमारे सामने रखा है और उसको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे तैयार है आप सब लोग यस भय हकीकत में है क्या भय क्या है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भय मतलब कोई फीलिंग या तो ऐसी भावना कोई बोलेगा डर कोई इंग्लिश में बोलेगा फियर नहीं भय के मारे कांपते हैं बहुत सारे लोग ये ये जब उसको हम स्थान देते हैं तब ये शुरुआत होती है अंदर अंदर कांपते हैं ट्रेम्बलिंग और शिवरिंग फिर वो बाहर आता है बाहर कांपने लगते हैं और फिर क्या होता है कुछ ऐसे रिजल्ट हमारी बॉडी में आते हैं जो जिसके लिए इस बॉडी को प्रभु ने कभी तैयार नहीं किया है समझना आप ध्यान से ऐसे बातों के शिकार हो जाते हैं भाई के मारे कि जिसके लिए हमारे शरीर को प्रभु ने तैयार नहीं किया है हमारी बॉडी को परमेश्वर ने उसके लिए उसकी महिमा के लिए तैयार किया है अगर हम कहते कि उसके लहू ने मुझे छुड़ाया है लहू में जीवन है लहू में लाइफ है किसकी लाइफ है यीशु के लहू में यीशु की लाइफ है अगर यीशु की लाइफ है तो वो लाइफ मेरी बॉडी में है मेरे जीवन में है और अगर मेरी बॉडी में और मेरे जीवन में उसकी लाइफ है तो क्या है रिजल्ट इज डिफरेंट परिणाम अलग होंगे दुनिया वालों के साथ यह संभव नहीं हो सकता है पर परमेश्वर के लोगों के साथ यह बातें संभव हो सकती है परमेश्वर के लोग अद्भुत परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं और वो देख सकते उनके लिए है अद्भुत कामों का अनुभव बड़े बड़े कामों का अनुभव क्यों वाय क्योंकि यीशु की लाइफ यीशु का जीवन हम में है हम यूं ही प्रभु बोझ के समय नहीं बोलते जब लहू प्याला हम लेते तब बोलते है कि लहू का नहीं, ये, ये लहू में नई वाचा है ताकि उसका जीवन हम में ऐसा बोलते हैं कि उसका जीवन हमें, हम में हम ऐसा बोलते हैं सो so ये हमारा हम क्यों बोलते हैं अब से आप अपने विश्वास को सुधारिएगा प्यारो ये प्रभु के दास बुलवा रहे इसलिए नहीं बोल रहे पर ये मेरा व्यक्तिगत फेथ कन्फेशन है मेरा व्यक्तिगत अंगीकार है प्रभु के वचन का वास्तविकता का हकीकत का अंगीकार है ये विश्वासी के लिए क्या वास्तविकता है कि वो एक नई सृष्टि है लहू से खरीदा हुआ है और लहू के द्वारा उसके भीतर परमेश्वर का जीवन बह रहा है अगर आप सहमत हो तो आमेन बोल सकते हो मेरे पीछे आमेन हाल सो हम हर सिकनेस के ऊपर हर बीमारी के ऊपर और डर से पैदा होने वाली हर एक दुष्प्रभाव के ऊपर हमारा अधिकार है इसका मतलब यह है सो so, डर हकीकत में है क्या प्यारों इन दिनों में महामारी बहुत जोर पकड़े हुए हैं हम देख रहे हैं ना। पिछले साल से अगर हम देखें तो इस साल में हमारे देश में सबसे ज्यादा जान हानि हुई है हमारे आसपास हमने ये सब बातें देखी हैं और प्यारो एक ऐसी बात है जो हम समझ ले बहुत अच्छे से कि शैतान अपने राज्य को फैलाता है डर से यस yes. अगर आप अपने ऊपर डर को हावी होने दे रहे हो इसका मतलब है कि यू आर रिसीविंग आप शैतान के राज्य को स्वीकार कर रहे हो इनवाइट यू आर इनवाइटिंग ंगडम फिर वो चोरी करने आता है और नाश करने आता है so, destructive results, विनाशक परिणाम भय के द्वारा किसी व्यक्ति के लाइफ में हो सकते हैं भय एक भावना लोग समझते हैं अगर बाहर देखा जाए तो पर बाइबल हकीकत में भय को क्या कहती है? पता है बाइबल हकीकत में भय को क्या कहती है? मेरे साथ आप वचन में से पढ़ सकते हो दूसरा तीमोथी एक और सात में ऐसा कहता है प्रभु का वचन क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है हालेलुया समझ रहे हैं आप आप सत्य वास्तविकता को समझ रहे हो आत्मिक वास्तविकता है ये व्हाट इज फियर भय क्या है परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम संयम का आत्मा प्रदान किया है सी स्पिरिट ऑफ पावर स्पिरिट ऑफ लव एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर इसका मतलब समझ रहेगा स्पिरिट ऑफ फियर मतलब भय बाइबल क्या कहता है भय के लिए वह एक आत्मा है इट इज़ द स्पिरिट और जब इस आत्म, ये आत्मा किससे चलायमान होती है देखिए पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में इसलिए चलायमान होती है कि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ने जो चाहा है वो रिजल्ट आए वैसे परिणाम आए वैसे रिजल्ट प्रभु के बच्चे देखे जो परमेश्वर ने तय किए उनतीस ग्यारह में लिखा है कि आपके लिए मैंने जो योजना बनाई है वो हानि की नहीं है पर कौन सी है शांति की है कुशलता की है वेलफेयर की है सो so, वे सब पूरा किसके द्वारा होगा पवित्र आत्मा से और इसीलिए जब पवित्र आत्मा से कोई व्यक्ति भरता है इन्फ्लुएंस्ड होता है तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है और क्या होता है वो वो ऐसे काम करने के लिए तैयार होता है जो शारीरिक रूप से ह्यूमनली मानवीय रूप से संभव नहीं है इसीलिए बाइबल में लिखा है न तो बल से न शक्ति से पर किसकी आत्मा से यहोवा की आत्मा से प्रभु यहोवा कहता है जरूर को न बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा कार्य किसके द्वारा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा एंड यू कैन नॉट लिमिट द पावर ऑफ होल स्पिरिट आप पवित्र आत्मा को बांध नहीं सकते हो अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो उंडेल दे उंडेलने के लिए पहले शुरुआत होगी समझिए शुरुआत होगी धीरे 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 उंडेला जाएगा यू हैव टू वेट फॉर कंप्लीट आउटपोरिंग समझ में आ रहा है आपको अगर यह मांगते हो बिना सोचे समझे बिनती ना पुकारे आप मांगते हो तो उसके लिए यू हैव टू वेट आपको राह देखनी पड़ेगी कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा जो करना चाहता है परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो बातें होती हैं जैसे पचासवें के दिन जो बातें हुई नहीं प्रभु का वचन फैला सामर्थ्य से भर गए और जो बातें जो भाषा है वो नहीं बोल सकते थे वो अलग अलग भाषा भी बोलने लगे सब कुछ जो इंसानी रूप से मानवीय रूप से असंभव था वो सब कुछ पवित्र आत्मा के आने के द्वारा संभव होने लगा लोया सो so, अगर आप और मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगते हैं तो वो जो चाहता है वो होगा आप जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा सो so, मांगने से पहले सोचे आप कि वॉट क्या मैं मांग रहा हूं जब पवित्र आत्मा आता है तो वो उस व्यक्ति को सामर्थ्य भरता है हिम्मत से भरता है भय से छुड़ाता है क्योंकि ये भय का आत्मा नहीं है सामर्थ्य का आत्मा वो एक बोल्डनेस एक निर्भयता उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर उंडेल देता है और उसी तरीके से अगर आप सोचोगे तो भय की आत्मा क्या करेगी इससे बिल्कुल विपरीत उल्टा पवित्र आत्मा निर्माण करेगा पर भय की आत्मा क्या फिजिकली भी हो जाते बहुत सारे लोग क्योंकि भय में आकर वे लोग ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती सुसंगत नहीं होती है. आपके पास वो है जो परमेश्वर ने वचन में बोला है कि ये आपका है और आप वो हो जो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कहता है कि आप हो पर भय क्या कहता है तेरे पास ये नहीं है और भय क्या कहता है कि तू ये नहीं है तू डर है बट बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट यू कैन से आप कह सकते हैं उसकी आत्मा की सामर्थ्य कि मैं भय से नहीं पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चलने के लिए चुना हुआ हूं यारो ये सिर्फ संडे की बात नहीं है आपकी एग्जाम संडे के वचन के बाद शुरू हो जाएगी हो जाती है हमारी एग्जाम हम जब संसार में जाते नौकरी करते तब हमारी शुरुआत क्यों क्योंकि जैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उसके सामर्थ्य से भरता है उसकी इच्छाओं से भरता है और उसके कामों के लिए हमें तैयार करता है वैसे ही शैतान भय के द्वारा उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमें खत्म करने के लिए वो हमें और भी नहीं बोलते कि कवर करता है जब हम भय को इनवाइट करते हैं वो आपसे गलत डिसीजन लेने के लिए उस नहीं उसका आता है भय की आत्मा यह करती है प्यार गलत निर्णय आप लेने लगते हो और जब और भी इसमें आप आगे बढ़ते हैं व्यक्ति तो भय एक श्राप लाता है और वो है बीमारी का श्राप भय मेडिकल साइंस कहता है कि जब कोई व्यक्ति भय में होता है तब वो टोटली नेगेटिव होता है और वो उसकी इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है जो बातें है नहीं वो बातें होने लगती है बॉडी उन श्रावों को निकालता है बॉडी के अंदर ही जो हार्मफुल होते हैं सो so प्यारो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाई है पवित्र आत्मा के द्वारा उसको चलाने के लिए हमारे पास अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर का वचन और आत्मा वचन और आत्मा ये दोनों एक ही रहते हैं ये इनको आप अलग नहीं कर सकते हो यू कैन नॉट सेपरेट क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना ना और तिरसठ में ऐसा बोला आप निकालिएगा नहीं कहता है कि मैंने जो बातें तुमसे कही वे ही आत्मा और जीवन है शरीर से कुछ लाभ नहीं शरीर से कुछ लाभ नहीं पर मेरी बातें वे ही जीवन और आत्मा है माय वर्ड इज द स्पिरिट एंड लाइफ मेरे वचन में लाइफ है सो so, अगर वचन जो हमें कहता है उसको हम पकड़े नहीं रहते थामे नहीं रहते सो भय जो चाहता है वो हमारे जीवन में होता है स्पिरिट ऑफ फियर भय की आत्मा जो चाहती है मतलब शैतान जो चाहता है वो फिर होने लगता है और प्यारो इसीलिए बहुत जरूरी है नहीं? कि हम हमारा अटेंशन हमारा ध्यान यीशु मसीह पर और उसकी बातों पर हमेशा लगाए रहे प्यारो भय को जब आप स्थान दोगे तो ये होगा कि आपके अंदर डाउट्स आपके अंदर कुशंकाय आशंका है, पैदा होगी पॉसिबिलिटीज आपको बहुत दूर दूर दिखने लगेगी आपको गलत रिजल्ट आपकी आंखों के सामने दिखाई देंगे और जो नहीं हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा जब आप भय से चलने का चुन लोगे चुनाव आपके और हमारे हाथ में है प्रभु ने हमें इसीलिए दूसरा तिमो एक और साथ में लिखा है कि भय की नहीं पर सामर्थ्य की ताकि हम ऐसे समयों में जब भय लगता है सामर्थ्य से सामना करें प्रेम से नहीं प्रभु का प्रेम हमें किसी भी बात से अलग नहीं कर सकता है न वेदना न तलवार न सताव न दुख नहीं कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है कोई भी चीज ना इस जीवन का ना आने वाले जीवन का वर्तमान भविष्य भविष्य सी वर्तमान और भविष्य कुछ भी यीशु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है और तीसरा है सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा में इसीलिए दिया गया है कि हम अपने विचारों पर हमारी बॉडी पर हम कंट्रोल करें क्योंकि अनुमति पवित्र आत्मा को ये बॉडी देगा ये माइंड और ये विचार देंगे मुझे ऐसे विचार आ रहे मैं न्यूज चैनल ऑन करता हूं और बताता है कि आज तो आज संभावना ज्यादा है और कोरोना इन दिनों में बहुत पीक पर होने वाला है सो कोई भी शिकार हो सकता है नहीं हम कुछ स्टेटमेंट बोलते ना प्यारो बोलने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए वास्तविकता है उसका इनकार कभी हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके चलना है बट उसको भी हमें समझना है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है यार बहुत सारे कलेशिया के लोग इन दिनों में चिंता में भय में आ गए गाना सॉरी बहुत सारे लोग चिंता और भय में आ जाते हैं पर यह वो समय है कि हमें हम ये जाने कि हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है प्यारो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा ये बताता है कि हमें क्या मिला है पर भय भय के लिए पर भय के लिए जो बातें हमें समझनी है प्यारो उसके लिए परमेश्वर के वचन पर हम टोटली डिपेंडेंट रहना सीखे तेरह हर परिस्थिति में हर संजोग में सीख भय और विश्वास दोनों अपोज है जब हम विश्वास करते हैं विश्वास के लिए लिखा है कि विश्वास कैसे आता है रोमियो की पत्री में लिखा है दसवें अध्याय में कि विश्वास सुनने से आता है पर क्या सुनने से न्यूज समाचार सुनने से विश्वास आता है अच्छी खबर सुनने से विश्वास आता है या किसी की बातें सुनने से विश्वास नहीं लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है सुनना मसीह के वचन से मसीह के संदेश से होता है so, अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन को सुनना पड़ेगा आपको आपको स्थान देना पड़ेगा ये वो दिन है प्यारो जिसमें हम प्रभु के वचन को इनकार नहीं कर सकते प्यारो इससे दूर नहीं रह सकते ये वो समय है कि जिसमें हम प्रभु के वचनों के साथ जुड़े रहे कनेक्टेड रहे अपने आप को हमेशा वचन की संगति में हम अपने आप को बनाए रखे प्यारो ये बहुत आवश्यक बात है क्योंकि जब वचन जब आता है तो वो विश्वास लाता है मतलब वचन परमेश्वर का वचन वैसे ही संसार की बातें संसार का वचन संसार की बातें जब हम उस पर फोकस करते हैं तो वो भय को लाता है प्यारो दोनों अपोजिट है So, हमेशा संसार में जो हो रहा है उसके लिए आंखें बंद करने का मैं प्रभु का वचन हमें नहीं कहता है पर उस स्थिति का सामना आप करो परमेश्वर के वचन से प्रभु यह कहता है सो so, प्यारो हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि भाई चलो सेवकों को प्रार्थना करते अभिषेक दास दासियों को, को फोन करते और सब ठीक हो जाएगा पर प्यारो ऐसे नहीं होगा आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी सुनिए आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी जो भय का राज्य आपके अंदर आपके भीतर पहला पहले फैला है उस पर आपको अधिकार लेना होगा और इसीलिए परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं उस वचनों को सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है उस पर मेडिटेशन की बात है प्यारो याइरस की बेटी मर गई थी लुका रचित सुसमाचार आठवें अध्याय में यह बात लिखी हुई है याइरस की बेटी जब मर गई थी तो येशु मस, उस पहले वो बीमार थी और वो येशु के पास आता है जब यीशु के पास पहुंचता है उतने में ही उस जो सभा स्थान का अधिकारी था उसका उसका चाकर वहां पर आता है उसका दास आता है और वो कहता है कि तेरी बेटी मर गई गुरु को दुख न दे यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया मत डर सी क्या बोला परमेश्वर ने इवन मृत्यु के लिए भी प्रभु का यह वचन है मत डर सुन रहे हैं आप लोग मृत्यु के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मत डर केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी अभी याईरस ने याईर ने अपने मुंह से कन्फेस नहीं किया था और इसीलिए यीशु ने बीच में इंटरप्ट किया लिखा यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया बोला नहीं था क्योंकि अगर वो उस दास का बोला हुआ शब्द एक्सेप्ट कर लेता स्वीकार कर लेता नहीं तो वो उस वास्तविकता पर मुहर मार देता हाँ भाई चलो अब तो मामला खत्म हो गया चलो छोड़ो पर वो सोचे या बोले उससे पहले यीशु ने क्या बोल दिया यीशु के वचन वहां पर आ गए और वहां पर कहता है कि प्रभु कहता है केवल विश्वास रख तो वो बच जाए विश्वास रख तो बच जाएगी विश्वास अगर विश्वास रखेंगे तो बचेंगे पर किस पर विश्वास रखेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ ना अरे विश्वास की बात यह है कि वचनों को लीजिए वचनों को अंदर भरिए और बोलिए प्रभु गजब के परिणाम लाएगा आपके सामने प्यारो और यीशु ने वहां पर गए और उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा कि लड़की उठ तब उसके प्राण लौट आए तब उसके प्राण लौट आए वो चीज़ें जो चली गई है जो आपके हाथ से बाहर निकल गई है वो आप विश्वास से पा लोगे विश्वास ही वो कुंजी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार रखा है उसको पाने के लिए अगर आप और मैं वचन पर फोकस नहीं करते तो विश्वास की बात नहीं होगी वो विश्वास खाली नाम का विश्वास होगा लेबल होगा विश्वास पर जीवन खाली होगा विश्वास से भरा हुआ नहीं होगा प्यारो विश्वास सुनने से आता है उसी तरीके से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई चीज को हम देखते हैं तो प्यारो भय आता है पर प्रभु नहीं चाहता कि भय हम में राज करे प्रभु चाहता है कि उसकी शांति उसका राज्य हमारे भीतर हमारे अंदर बना रहे हमें भय करने भय खाने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि प्रभु कहता पहला और अंतिम मैं हूं हमारा भविष्य तो वह जानता है पर हमारा भूतकाल जानता है पर भविष्य भी उसके हाथ में है सो so, हम भय खाकर कुछ नहीं हम वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अगर हम भय करेंगे बट अगर विश्वास रखेंगे प्रभु के वचन का और वो बोलेंगे तब ये बातें होंगी जो प्रभु ने हमारे लिए प्रकट होने के लिए रखी है हम चिंता करके और भय करके नहीं हम किसी भी बात से अपने आप को बचा नहीं लेंगे पर जब हम विश्वास करेंगे नहीं उन बातों को पाएंगे जैसे अयुब ने पाया क्या हुआ था अयुब का सब कुछ लूट चुक, लूट चुका था पर फिर भी उस हकीकत से प्रभु हमें यह बताता है कि वो जो लूटा हुआ है वो वापिस लौटाता और वो भी दो गुना तीन गुना चार गुना कैसा भी नहीं वो लौटा सकता है सो so, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है आपका स्वास्थ्य आज जैसा भी हो पर चार गुना स्वास्थ्य में वो आपको बढ़ाएगा हमेन आप रिसीव करना चाहते हो देन फोकस योर सेल्फ अपॉन वर्ल्ड अपने आप को वचन के ऊपर केंद्रित करो ना कि इन दुनिया के समाचारों के ऊपर लोगों की जानकारियों पर हाँ जानकारी आ, पर उसको अंदर ही अंदर अपने माइंड में सब जगह घुसा मत दीजिए प्यारो अपने जीवन को वचन के द्वारा चलाने का चुने तभी ये बात संभव होगी अभी यहां जो शब्द लिखा है भय की नहीं पर सामर्थ की अब ये जो सामर्थ की आत्मा दी है उसके लिए जो मूल शब्द यूनानी भाषा में जो है उसका वो जो शब्द है डूनामिस और ये डूनिस जो शब्द है वो आया है डायनामाइट डायनामाइट जो शब्द है उसके ऊपर से इसका मतलब क्या है प्रभु क्या वचन क्या कहना चाहते पता है प्रभु ने उसकी आत्मा हमें इसीलिए दी है कि ऐसा गजब का परिणाम आप देखो मतलब एक्सप्लोर कर दो आप उन सिचुएशंस को विस्फोटक परिणाम प्रभु लाना चाहता है आपके जीवन के अंदर और आपके जीवन के द्वारा बाहर पर जब आप उसकी आत्मा से चलना पसंद करोगे तब अपनी बुद्धि अपने दिमाग को छोड़ दो अपने ईगो को छोड़ दो और अपनी अपने ज्ञान को रख दो बाजू पर पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाइए प्यारो देखिए तब बड़े काम होंगे तब उन्नति होगी तब बढ़ोतरी होगी चाहे लाइफ हो चाहे नौकरी हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे सेवकाई हो कोई भी क्षेत्र ले लो तभी उन्नति होगी विदाउट होली स्पिरिट नो ग्रोथ अगर आप पवित्र आत्मा को रोक रोकते हो अपने लाइफ में वचन को रोकते हो तो पवित्र आत्मा को रोक रहे हो आपको आशीष देने से प्रभु को रोक रहे हो आप अगर पवित्र आत्मा को रोक रहे तो आप आपकी और आपके परिवार की उन्नति को रोक रहे हो प्यार पहला थे पांच और उन्नीस में लिखा है कि आत्मा को मत बुझाओ डू नॉट क्वेंच द फायर ऑफ होली स्पिरिट आत्मा को न बुझाओ पवित्र आत्मा को बुझने न दो ऐसा कहता है प्रभु पर हम हमारी बोली से या तो असत्य को कबूल करके हम आत्मा को बुझाते हैं प्यार अब आत्मा बुझेगा तो क्या होगा आग बुझेगी आग बुझेगी तो उजाला नहीं होगा क्या होगा वहां पर अंधेरा होगा और जहां अंधेरा होता है वहां पर लोग फाफे मारते हैं वो उनका ग्रोथ रुक जाता है उनकी उन्नति रुक जाती है दाऊद इसीलिए कहता है जब भी वो भय में आ, आया तो उसने कहा है कि वैन आई एम अफ्रेड आई विल पुट माई ट्रस्ट इन यू जब भी मैं भयभीत होता हूं तब मैं तुझ पर भरोसा करूंगा भजन संहिता छप्पन में लिखा है कि जब मैं भयभीत होऊंगा तब तुझ पर भरोसा करूंगा डर लगता है भरोसा कीजिए पर भरोसे को वचन का आधार दीजिए भरोसा इंसान पर इंसान की बातों पर नहीं वचन पर लाइए आधार दीजिए आपके भरोसे को आपके विश्वास को आधार दीजिए वचन से इकतालीस दस में, में ऐसा लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं मैं तुझे दृढ़ मतलब स्ट्रेंथन करूंगा और तेरी सहायता मतलब हेल्प करूंगा और अपने धर्म में दायने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा मतलब थाम कर रखूंगा मत डर ये सब रिजल्ट आएंगे पर पहले लिखा है मत डर वो, आप क्या सुन आप क्या क्या देखना चाहोगे अगर डरेंगे तो बाकी का नहीं होगा डरोगे तो बाकी की परिणाम जो आप देख रहे हो स्ट्रेंथन होना हेल्प को सहायता को देखना और प्रभु को थामे हुए हाथ को देखना यह सब असंभव होगा आपके लिए अगर आप डरना पसंद करोगे तो और इसीलिए प्यारो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा दी पर आपकी और मेरी हरकतें उसको बुझा सकती है आपकी और मेरे शब्द हमारे शब्द हमारी नेगेटिव स्पीकिंग उसको बुझा सकती है देखिए हमने हम खुदा की संतान है हम खुदा के बेटे हैं और हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दिए इसको आप अपने दिल में इतना भर ले भर ले कि ये ओवरफ्लो होने लगे दैट इज द मेडिटेशन ये इतना भर ले प्रभु के वचनों को इतना भर ले अपने हृदयों में कि वो ओवरफ्लो कर मुंह से बाहर आए जब मुंह से बाहर आएगा तब छुटकारा आएगा तब आप रिसीव करोगे तब आत्मिक क्षेत्र में जो बातें आपके लिए रखी होगी वो प्रकट होकर नीचे आएगी हाल ऐसे ही नहीं कुछ हो जाएगा प्यारो ये दुनिया और ये लाइफ ऐसी है प्यारो जिसमें आपको और मुझको मेहनत करनी पड़ेगी देखिए प्रभु के प्रोमिस है पर उसको पूरा करने के लिए आपको और मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा नहीं खाली बाइबल पढ़ने से सिंपली बाइबल रीडिंग करने से क्वाइट टाइम करने से या दो तीन चार पांच बजे उठकर पचास अध्याय पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा उन बातों को हृदय में बसाना पड़ेगा और उसको यहां से बाहर लाना पड़ेगा तभी यह सब होगा मेडिटेशन का मीनिंग है कि हृदय में बसाना और मुंह से बाहर लाना मेडिटेशन का मीनिंग सिर्फ दिमाग से लाना नहीं है पर उसको हृदय में बसाना और मुंह से बाहर लाना इंसान तभी अच्छे फल खा सकता है नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर की बातें परमेश्वर की शिक्षा हृदय में और मुंह में बसी हुई सी, हम हृदय में बसा ले पर मुंह पे आए तब तक उसके ऊपर हमें विचार और सोच करते रहना है प्यारों दानियल दानियल के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा प्रभु इसीलिए देता है कि डरे और कांपते हुए लोगों को पैदा करे ना इसलिए देता है पवित्र आत्मा आप और मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं ना कि पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है का आत्मा दिया गया है तो क्या डरे हुए बच्चे पैदा करने के लिए कि निर्भय और बोल्ड हिम्मतवान लोगों को पैदा करने के लिए यस yes, ऑब्वियसली परमेश्वर ने वो आत्मा इसीलिए दी है कि उसके बच्चे ऐसे हो जो भले पहले डरते हो पर अब वो डरने वाले न रहे पर कैसे बने निर्भय बने बोलो मुझे निर्भय बनना है पवित्र आत्मा की और वचन की सहायता से मुझे निर्भय बनना है यस हालेलुया लोइया हमेन हमेन हालेलुया प्यारो दानियल को जब उसको कसोटियों में से गुजरना पड़ा नहीं वहां पर फरमान पर सिग्नेचर हो गए नबुखाद ने सर राजा के सील लग गए कि भाई जो कोई भी इस मूर्ति की आराधना नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा क्या हुआ तीसरा अध्यय आप निकाल सकते हो दानियल तीन उसमें से तीसरे अध्याय में ये बात लिखी हुई है वो सब पूरा नहीं देखेंगे पर जब ये ये फरमान हुआ तो दानियल ने क्या किया उनको फरमान ये था कि अगर ये कोई नहीं करेगा तो क्या होगा उनको अग्नि की भट्टी में डाला जाएगा अग्नि की भट्टी में बात को छोटा कर दो अग्नि की भट्टी में डाला क्या हुआ राजा ने क्या देखा तीन नहीं पर चार अबेद नगो के साथ कोई और चौथा था और ने आयत में वहां पर दानियल तीन और अट्ठाइस में लिखा है धन्य है शाद्रक मिशक और अबेद नगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा सी तुझी पर भरोसा रखा राजा की आज्ञा न मानी पर तुझ पर भरोसा रखा मतलब जो बाहर चल रहा है उसको हम देख रहे पर उसको हम नकारते हैं पर हम उसको देख रहे जो वचन है जो वचन हमें कहता है और जब हम इसको देखते हैं तब हम अग्नि की भट्टी में चौथे को भी घूमता हुआ देखेंगे और वो है परमेश्वर पर, पर हालू राजा ने आगे क्या बोला वहां पर कि तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया से भरोसा रखते हैं ना तो अर्पण की बारी आएगी उन्होंने शरीर अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे इसलिए देखिए क्या काम हो रहा है प्यारो देखो कोई व्यक्ति भय से बाहर आने का सोच लेता है निर्भय होकर परिस्थिति का सामना करूंगा यह सोच लेता है प्रभु के आधार पर प्रभु के वचनों के आधार पर परिणाम बदल जाते हैं लिखा है उनतीस में इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शाद्रा बेशाक अभेद नगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा घूरा बनाया जाएगा क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके ऐसा अरे अन्य जाति का महान राजा जो हो गया नबू ने सर वो उसके मुंह के ये शब्द थे और उसने ये फरमान जारी किया कि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस प्रकार बचा सके हाल महामारी से बचा सके ऐसी कोई कोई दवाई नहीं है महामारी से बचाने वाला अगर कोई दवाई है तो प्रभु का वचन है वो सब है वैक्सीन है न सब है वो बात है सब अपनी जगह है पर इसको छोड़ोगे ना तो कोई वैक्सीन भी नहीं बचा पाएगी और कोई दवाई भी नहीं बचा पाएगी प्यारों या तो कोई का प्लाज्मा डोनेटिंग करना भी नहीं बचा पाएंगे लाइफ भय में जीते रहेंगे लोगों के इन दिनों में ऐसे ऐसे लोगों के प्राण गए प्यारो क्या बताए आपको जिनका आधार पैसा था ना वो नहीं टिके जिनके पास बहुत सारे पैसे थे ना वो भी नहीं बचे हैं वो आज कह नहीं सकते कि हमारे पैसों ने क्या किया मतलब हमें हमें बचा लिया। उनके पास नहीं है वो कहने के लिए और वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें हमारे परमेश्वर ने बचाया क्योंकि वो परमेश्वर के पक्ष में नहीं रहे यारो आप कहाँ पर रहना चाहोगे दानियल का वो ही पुस्तक और छठे अध्याय में दारा राजा वहां पर सी की मान में डालने की बारी आती है सी में से दानियल को बचाया जाता है तब दारा राजा भी क्या कहता है पता है छठा अध्याय पच्चीस से आगे पढ़ता हूं तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा सी लिखा इट इज अटन डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा क्या लिखा तुम्हारा बहुत कुशल हो मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है क्या लिखा वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे आला लोहिया वहां के लोग जहां जहां मेरा राज्य है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर से कांपते और थर थराते रहे क्योंकि जीवता और युगानु युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है और उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है ओ सी दिस इज द कन्फेशन दिस इज द कन्फेशन ऑफ फेथ ये विश्वास का अंगीकार है कि हम बोले यह अन्य जाति का राजा अपने मुंह से कंफेस कर रहा है और हम क्या कंफेस कर रहे हैं हाँ मैं पॉजिटिव आ जाऊंगा मैं अरे पॉजिटिव आएंगे तो भी क्या यशु का वचन क्या मर्ग मरा हुआ है यशु का वचन जीवित वचन है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है यशु का लहू जीवित लहू है वो हर एक जुए को तोड़ देगा क्या समझते हम प्रभु के वचन को प्यारों लिखा है पृथ्वी पर वही बचाने और छुड़ाने वाला और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है लोहिया लो हम कहा जी रहे प्यारो जब यरीहो में प्रवेश करना था यर्दन नदी थी और संदूक लेकर क्या हुआ वहां पर संदूक लेकर याजक लोगों ने यर्दन नदी में पांव रखा क्या हुआ उनको निर्देशन दिया गया था कि याजक को को नदी में पांव रखना है और उस समय नदी लिखा है कि कटनी का मौसम था और नदी दोनों किनारों पर ओवरफ्लो हो रही थी यारो जब बहती नदी होती है ना तब जोखिम नहीं लेना चाहिए और इन याजकों ने जब जोखिम लिया तब क्या हुआ पता मैं सब आयत नहीं निकलवाना चाहता हूँ लिखा है कि वहां पर आगे से जो पानी आ रहा था बहता हुआ वहां पर ढेर हो गया दीवार बनकर खड़ा रह गया और जो पानी जा रहा था वो बह निकला और जहां पर उनके पांव थे वो कोरी भूमि हो गई हालेलुया क्या समझते हम परमेश्वर को हमें स्टैंड लेना है प्यारो देखिए ऐसी स्थिति में हमें स्टैंड लेना पड़ेगा तभी हम परमेश्वर की उन बातों को हमारे जीवन में होता हुआ देखेंगे प्यारो मैं तीन बातों को खाली एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगा और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे अगर आपको जीना है इस प्रकार से नहीं सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु की उपस्थिति में और उसके प्रकाश में जीना सीखे प्रभु की उपस्थिति में और उसके प्रकाश में बने रहे अपने आप को बनाए रहे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु की संगति को ज्यादा महत्व दे पर्सनल एंड सोशल सोशियल का मतलब है कलिसिया की संगति बाइबल स्टडी या जो कुछ भी संगति हो रही है उसमें अपने आप को शामिल कीजिए और अपने आप को घर में भी पर्सनली भी प्रभु के साथ संगति में रहिए सिर्फ दो प्रार्थना मुंह से ज्ञान से करके नहीं पवित्र आत्मा आपको बुलवाए तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक पवित्र आत्मा अंदर से आवाज ना निकाले हो सकते अन्य भाषा भी आप बोलने लगो प्रार्थना करते रहे उस समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रकाश में बने रहे प्यारों क्योंकि लिखा है दूसरा पत्रस में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए कैसे बढ़ेगी अनुग्रह और शांति फेवर हर किस्म का कब बढ़ेगा जब हम प्रभु के पहचान में बढ़ेंगे हमें वचन से कोई लेन देन नहीं है तो हम प्रभु के पहचान में कभी नहीं बढ़ेंगे प्यारो हम हमारे लिए कोई चांस नहीं है कि हम प्रभु के पहचान में बढ़े और पहचान में बढ़ेंगे तभी बाकी सब चीजें बढ़ेगी आज से तय करें कि मैं प्रभु की पहचान में बढ़ूंगा और प्रभु के पहचान में बढ़ने के लिए आपका पर्सनल संबंध प्रभु के साथ बांधना पड़ेगा दूसरा है दूसरी चाबी है सही और सच्चा जीवन जियो झूठ से अपना नाता तोड़ दो आपका हां हां हो और ना ना हो कहीं भी झूठ का मिश्रण है ऐसी बातों से अलग रोग नहीं तो आत्मा की आग बुझ जाएगी आप जो कुछ भी मेहनत करके उपवास करके प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आत्मिक गेन आप रिसीव कर रहे हो वो सब कुछ आपके एक एकजुट में एक गंदी दृष्टि में सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में हर जगह बनाए रखे नहीं दानियल ने ये बात बोली थी सिंहों की मान से जब बचाया गया तो राजा दारा को उसने क्या बोला था पता है मैं ये क्या जरूर पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर वो बहुत वो मुझे छूती है ये आयत लिखा है मेरे परमेश्वर ने छह और बाईस में लिखा है मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा अरे महामारियों के मुंह को बंद करके रखेगा कोरोना क्या है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की मौत के मुख को बंद कर देगा प्रभु सुन रहे हैं आप लोग मौत के मुख को बंद कर देगा प्रभु सी मतलब मौत की बात है मौत के मुख को बंद कर देगा आपको लगता है आप मरने जा रहे हो आपका लिस्ट नाम नहीं होगा जब आप प्रभु के पक्ष में होंगे आपका प्रभु के जो चंगे वाले जो लोग हैं उनके लिस्ट में आपका नाम होगा रिसीव करे यीशु के नाम में रिसीव करे बोले मैं रिसीव करता हूं प्रभु यीशु के नाम में हा इट्स इट्स प्रॉफिटिंग लिखा है कि मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं कुछ भी हानि नहीं की हालेलुया इसका कारण यह है क्या कारण है देखो सही और सच्चा जीवन यहां पर लिखा है सही और सच्चा जीवन बोले सही और सच्चा जीवन बिना मिलावट का जीवन क्या लिखा है इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हालया कित, कितनी बड़ी बात बोल दी है दानियल ने प्यारो मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं निर्दोष पाया गया आप अपने अपने आप की सफाई ना दे लोगों को आप जो हो वो प्रभु को सफाई दे और प्रभु को सफाई देने की आवश्यकता है ही नहीं आप कौन हो और कैसे हो प्रभु अच्छे से जानता है और दानियल कौन था और कैसा था प्रभु अच्छे से जानता था इसीलिए सिंहों के मुंह को बंद किया परमेश्वर ने हाँ ललो अपने जीवन को सही करे अगर प्यारो गलत राह पर चल रहे हैं तो सच्ची जिंदगी जिए और सच्ची बातों पर अपने जीवन की नींव बनाए और तीसरा है जो बातें आप पढ़ते हो वचन पढ़ते हो उसको मेडिटेट करे यहां तक मेडिटेट करे कि यहां से निकलकर मुंह से बाहर आए क्योंकि जब बोलोगे तब क्या होगा पता है आपकी आत्मा और आपके प्राण में उस वचन का सामर्थ्य जाएगा हालेलुया क्योंकि परमेश्वर वचन के लिए क्या वास्तविकता रखता है इब्रानी चार और बारह में बहुत साफ लिखा है क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है जीवित है प्रबल है और हर एक दो दारी तरवार से भी बहुत चोखा है और लिखिए प्राण और आत्मा को बोलिए प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अब गांठ गांठ और गुदा, गुदा गुदा क्या हो गया पता है यह शरीर ये शरीर की बात आ गई प्राण आत्मा शरीर को ज्वाइंट्स को गुदे गुदे मतलब ज्वाइंट्स की बात यहां पर सब जगह आर पार छेदता है और बाकी क्या रह गया मन की भावना और विचार उसको भी जांचता है अगर कोई है ऐसी ताकत आपके पास कोई वैक्सीन है ऐसी आपके पास तो ये है दिख रहा है आपको ये काला पुस्तक नहीं है और इसमें लिखी हुई बातें काले अक्षर नहीं है ये लिविंग वर्ड ये जिंदा वचन है प्यारो और लिखा है दूसरा पत्रस एक और चार में इनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि क्यों प्रतिज्ञाएं दी है ताकि बोलिए ताकि बोलिए ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ आप ईश्वरीय जीवन आप में बहता रहे और वो बहता हुआ जीवन सिर्फ आत्मा में नहीं पर प्राण में आए और प्राण से शरीर में आए और शरीर से बाहर जाए सब जब शरीर से बाहर जाएगा तब मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी प्यारो आप लोगों के लिए सिर पर हाथ रखो अगर लोग चंगे होंगे बट जो जीवन आपकी आत्मा में रखा है उसको प्राणों में लाइए और उसको शरीर में लाइए और शरीर से बाहर जाएगा आप शरीर तक मैनिफेस्ट होता हुआ तब देखोगे जब आपका मेडिटेशन हार्ट से हृदय में जाएगा वचन और हृदय से मुंह मुँप से मुंह पर बाहर आएगा एक आखिरी आयत बोलकर हम प्रार्थना में जाना चाहेंगे आ, मेरे साथ रोमियो की पत्री ये फाइनल बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सिद्धांत है इस पर आप गौर कीजिएगा दसवा अध्याय छठी आयत से पढ़ता हूं मैं बहुत ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे पवित्र आत्मा इन बात को बोलने के लिए उत्सुक कर रहा है इसलिए मैं ये वचन को निकाला हूं ये मेरे, ये मेरे लिस्ट में नहीं है लिखा है तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए अपने मन में मत बोलना मसी कि मसीह को ऊपर से उतार लाऊं ताकि सब कुछ उलट पुलट हो जाए लिखा है या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिला कर ऊपर लाने के लिए तू मत बोलना ये तेरे बात की बात नहीं है परंतु वह क्या कहती है ओ परंतु वह क्या कहती है वह क्या कहती है वह क्या कहती है यह क्या कहती है यह की वचन तेरे निकट है रे बा हाल ओ हालेलुया वचन तेरे निकट है वचन तेरे निकट है वचन कहाँ है आज निकट है प्यारो वचन कहाँ है लिखा है वचन तेरे निकट है तेरे मुंह में और तेरे मन में सी वचन पास में है फिर मुंह से बोलेंगे और जाएगा माइंड में मन में और फिर क्या होगा यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अब देखो किताब से मुंह पे आएगा और मुंह से मन में जाएगा अब क्या होगा पता है जब इस पर मेडिटेट करेंगे सोचे तो क्या होगा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे मतलब अब वापस मुंह पर आ रहा है और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हो में से जिलाए तो तू निश्चय उद्धार पाएगा उद्धार पाएगा मतलब छुटकारा पाएगा क्योंकि क्यों वहां क्यों, क्यों ऐसा होगा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है मतलब परमेश्वर की चुनी हुई बातों को पाने के लिए वचन में जो भी बातें आती है जब हम उसको पाने के लिए कुछ करना है तो वो माध्यम है वचन वचन तेरे निकट है कहाँ है वचन लिखा है मुंह मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता पğ....... है।, है क्या बोलते हैं प्यारो हम हमारा मुंह क्या बोलता है हम तो बहुत डर गए हैं हमें तो कोई दो शब्द बोले ताकि हम इसमें से बाहर आ जाए हमें कोई हिम्मत दे हमें कोई ढाढस दे मेरा कोई काउंसलिंग करे मैं मैं क्या करूं अरे बैठ जाइए प्रभु के पास प्रभु के चरणों में अपने द्वारों को बंद करके कोठरी बंद कर दीजिए और प्रार्थना करें प्रभु के चरणों में बैठिए वचन को बोलिए वचन आपके सामने आएगा लिखा है वचन निकट है तो ये मत बोलना कि स्वर्ग से यीशु को कौन नीचे उतार लाएगा, और से कौन लाएगा? क्या कहती है लिखा है लिखा क्या कहता है वचन वचन तेरे निकट है इफ वचन निकट नहीं है तो छुटकारा नहीं है प्यारो हम बंधे हुए हैं भले भले पुस्तक ज्ञान बहुत सारा हो हमारे पास वो काम नहीं आता है छुटकारा ज्ञान से नहीं आता है छुटकारा परमेश्वर के वचन को हृदय में लेने से और हृदय से मुंह पर लाने से छुटकारा आता है प्रभु यह कहता है प्यारो आई अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी देता है उसकी पहचान के द्वारा देता है और उसकी पहचान तभी आप पा सकते हो जब आप वचनों को स्थान देते हो वचनों को समय देते हो आपके पास समय नहीं है वचन पढ़ने का और जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों के ख्वाब देख रहे हो प्यारो कहां से हमारा लाइफ डिसिप्लिन में आएगा बोलने के खातिर तो बहुत सारे शब्द बड़े बड़े शब्द हम बोल लेंगे पर लाइफ का कोई ठिकाना नहीं रहेगा प्यारो विद वर्ड एवरीथिंग इज वॉइड सब कुछ खाली रहेगा और व्यर्थ जीवन हो जाएगा वचन को मुंह पर लाना सीखे ये एक्सक्यूज ना करे कि मुझे याद नहीं रहता कि मुझे पता नहीं चलता अरे प्यारो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है प्रभु सब कुछ करेगा क्योंकि प्रभु ने सामर्थ्य की आत्मा इसीलिए दी है कि हम भय में पड़ा हुआ जीवन ना जिए शैतान जो रिजल्ट देखना चाहता है वो अगर आप घुमाना चाहते हो उस गेम को घुमाना चाहते हो तो आपको वचन को स्थान देना पड़ेगा अपने आप को सही जीवन में लाना पड़ेगा प्यारो ये तीन महत्वपूर्ण चाबी है प्यारो भय से छुटकारा पाने के लिए और भय से दूर रहने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना परमेश्वर की उपस्थिति का और उसकी प्रकाश के अनुभव में बने रहना मतलब उसकी संगति पर्सनली और सोशियली व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उसकी संगति करें दूसरा सही जीवन सच्चाई से भरा हुआ जीवन जिए और तीसरा परमेश्वर के वचनों का ऐसा मनन करे जो जो मुंह पर स्थिर हो सिर्फ हृदय में न रहे पर मुंह पर स्थिर हो मुंह से वचन बोले जाए और प्रभु देखिए अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा आइए हम प्रार्थना करते प्रभु से कहेंगे अपने हाथों को उठाएगा स्क्रीन की ओर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ जो बीमार है वो भी अगर कोई कोरोना ग्रस्त है कोरोना वायरस का शिकार है वो भी अपने हाथों को लंबा करेगा स्क्रीन की ओर अगर आपके परिवार में कोई वायरस से इन्फेक्टेड है अपने हाथों को बढ़ाइए। है अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत भय लग रहा है आपको बहुत डर लग रहा है परिस्थिति जब देखते हो तो आपको बहुत डर लगता है प्रभु ने आपको इसीलिए उसकी संतान नहीं बनाया है प्रभु ने आपको उसकी संतान इसलिए नहीं बनाया इस वास्तविकता को समझिए आपके भीतर जो बह रहा है वो यीशु का जीवन है डाली अकेली फलदाई नहीं रह सकती है उसमें यीशु का जीवन बहना जरूरी है और वो प्रभु ने बहाया है प्यारो उसका जीवन आप में बह रहा है और जब जीवन बहता है तो डाली हमेशा हरी भरी रहती है और फलदाई बनती है वो रिजल्ट आप देखोगे यीशु के जीवन के बगैर नहीं देख पाओगे जिसकी अपेक्षा करते हो रिसीव करे प्यारो प्रभु यीशु के नाम में आज मैं सारे भाई की आत्मा को और भय की आत्मा के द्वारा और झूठी बातों पर विश्वास करने के द्वारा झूठी बातों के अंगीकार और मुंह से गलत कन्फेशन करने के द्वारा जो जो बीमारी जो जो गलत परिस्थितियां स्थान पाई है इनके जीवनों में मैं आज यीशु के नाम में थोड़ता हूं उसे आई ब्रेक इट ऑल इन द नेम ऑफ चीजस यशु के नाम में हर इंफेक्शन को मैं तोड़ता हूं हाला प्रभु यीशु तेरा वो जीवन था जो तुझे कब्र में बांध कर नहीं रखा तुझे कब्र से बाहर लेकर आया वो लाइफ आपके अंदर है प्यारो वो लाइफ आपके अंदर है ओ कोरोना आपको बांध कर नहीं रख सकता है आपके फेफड़े कमजोर नहीं रह सकते हैं ओ यीशु के नाम में यीशु के नाम में आपको लगता है कि मुझे कोरोना हो गया और तकलीफ हो रही है मेरी समस्या से मैं बाहर नहीं आऊंगा पर यशु के नाम में आप बाहर हो स्वीकार करे रिसीव करे बोलिए मैं रिसीव करता हूं आप बोलिए मैं ग्रहण करता हूं आप बोलिए मैं रिसीव करता हूँ यशु की जीवन को यीशु की लाइफ को आप कहिए मेरे पीछे मैं यीशु की संतान हूं मुझ में यीशु है मुझे भय की नहीं मुझे सामर्थ की आत्मा मिली है मुझे मेरे जीवन में विजयी जीवन दिया गया है मुझ में अनंत जीवन बह रहा है क्योंकि मुझ में यीशु के लहू के द्वारा यीशु का जीवन बह रहा है और यशु का जीवन हर बीमारी से ऊपर है हर मृत्यु से ऊपर है हर एक अधोगति से ऊपर है यीशु का जीवन हर निष्फलता के ऊपर है यीशु का जीवन हर कमी घटी के ऊपर है मैं आज उस जीवन को मेरे हृदय में ग्रहण करता हूं मेरे जीवन में ग्रहण करता हूं और मेरे मुंह से कंफेस करता हूं कबूल करता हूं कि यीशु मेरा प्रभु है इसीलिए मैं हर बीमारी पर हर वो बड़ा नाम जो इस संसार में है हर डर हर भय भविष्य का हो या भूतकाल का हो या कोई खराब बीमारी का हो यीशु के नाम में मैं उसे तोड़ता हूँ येशु के नाम में हालोया आप बोले मैं उसे तोड़ता हूँ यशु के नाम में आप बोले मैं उसे तोड़ता हूँ यशु मसी के पवित्र सामती नाम में हालोया आप कहे मैं ग्रहण करता हूं और मेरे मुंह से स्वीकार करता हूं मैं मेरे मुंह से बोलता हूं कन्फेस करता हूं कि ये मेरे जीवन में विजयी है इसीलिए मैं भी हर परिस्थिति में विजयी हूं मैं डर का या भय का गुलाम नहीं हूं मैं यशु का बेटा हूं मैं यीशु का बेटा हूँ हाल धन्यवाद परमेश्वर इन बातों को सिखाने और समझने के लिए प्रभु समझाने के लिए आपका अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जो जो लोग आज प्रभु इन परिस्थितियों में से बाहर आए प्रभु इनका छुटकारा बना रहे वापिस वे कोई भी किस्म की बंधुआई में न जाए मैं इनके छुटकारे को यीशु के लहू में क्लेम करता हूं और सील करता हूं यीशु के लहू में कवर करता हूं उन्हें प्रभु यीशु के नाम में बहुत जल्द कोरोना के पेशेंट जितने भी हमारी कलिश्य में हैं डिस्चार्ज हो जाए यीशु के नाम में और यीशु के नाम में प्रभु हर किस्म के भय से वे बाहर आ जाए हर कमी घटी से वे बाहर आ जाए यीशु के नाम में आ ओ जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं ऐसे समय में यीशु के नाम में मैं उनके ऊपर भय के माहौल को तोड़ता हूं यीशु के नाम में और यीशु के लहू को कवर करता हूं इनके जीवन में इनके आसपास और प्रभु यीशु की विजय को मैं बोलता हूं इनके जीवन में हर इंफेक्शन से उनको बचाया है प्रभु आपने आगे भी तू बचाने वाला है क्योंकि तेरे पास बड़ी योजना है छोटी नहीं है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए मैं आभारी हूँ परमेश्वर इन वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते पिता सारा आदर मान और महिमा आपको देते हर बीमारी पर जय आपने किया है परमेश्वर हर 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 शैतान की युक्तियों को आपने तोड़ा है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सारा आदर मान आपको मिले प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं कबूल करें हाँ आइए प्रभु के सिखाई प्रार्थना साथ मिलकर बोले आकाश मना मा

के हर सदस्यों के साथ हर एक विश्वासियों के साथ आज से आज से लेके हमेशा तक बनी रहे God bless you all. आप सभी को आशीषित करें